नमस्कार दोस्तों, इंटीग्रल की हम लोगों ने पहले दो वीडियो देखा, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपने निश्चित रूप से देखा होगा, सीखा होगा, और आने वाले एग्जाम्स के लिए वो आपकी हेल्पफुल भी होंगी। आज हम एक ऐसी ट्रिक लेकर आए आपके लिए जो है, जिनमें आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और वो क्वेश्चन हम लोग एक लाइन में सॉल्व करेंगे। तीन कैटेगरी क्वेश्चंस हैं, जिनमें से पहली कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऊपर वन हो, यानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई कांस्टेंट हो तो बाहर कर दे, एक्स ऊपर नहीं होना चाहिए। कंडीशन को याद रखिएगा, किसमें ये रूल्स फॉलो होगा। अपान में एक्स यहां पर जो है वो सिंगल पावर है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। निश्चित रूप से हम लोग इसे बाई पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न द्वारा ऐसे इसको ब्रेक करते हैं, फिर आंशिक भिन्न करते हैं, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहां हमें सिर्फ ये देखना है कि जो कांस्टेंट है उसमें से ए बड़ा है किससे, बी से। यदि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा अपान बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, लॉग छोटी संख्या और अपान में बड़ी संख्या। क्या कह सकते हैं, वन अपान ए माइनस बी लॉग। छोटी संख्या क्या है, एक्स प्लस बी और अपान में x प्लस ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, dx अपान x प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन। बहुत इजी है, आप देख सकते हैं इसमें a क्या है, सेवन, और बी कितना है, थ्री। ये आप ही कह सकते हैं एक्स प्लस सेवन बड़ा है और एक्स प्लस थ्री छोटा है। सो इसका जो आंसर होगा, वन अपान बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, एक्स प्लस सेवन बड़ी संख्या माइनस एक्स प्लस थ्री छोटी संख्या, एक्स प्लस सेवन माइनस एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो गया, सेवन माइनस थ्री कितना गया, फोर। सो इसका आंसर क्या आएगा, वन अपान फोर लॉग। चेक कर सकते हो छोटी संख्या और अपान में बड़ी संख्या, ये इसका आंसर आ गया। सो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करके कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। हम आपको चार पांच क्वेश्चन इसी कैटेगरी के और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, आपके सामने ये पांच एग्जांपल्स है। आपने यदि ट्रिक सीखी होगी तो इनके आंसर एक एक लाइन में आप कर लोगे। आप देखिए, मैं सिखाता हूं कैसे। आपको डी एक्स अपान एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री, इसमें चेक करिए बड़ी संख्या क्या है, एक्स प्लस थ्री, प्लस है ना तो बड़ा होगा। छोटी संख्या क्या है, एक्स प्लस वन। इस रिजल्ट पे गौर करिए, ये इसका आंसर है, वन अपान बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी में छोटी घटाइए, आप छोटी घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, थ्री माइनस वन टू आएगा, तो वन अपान टू लॉग छोटी संख्या अपान बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या है, एक्स प्लस वन, और अपान में बड़ी संख्या क्या है, एक्स प्लस थ्री। सो इसका आंसर आ गया। सो आप देख सकते हैं सिंगल डिग्री में कितने भी क्वेश्चन हो उनके आंसर कितने, कितनी जल्दी इसका आंसर आ रहा। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको ठीक से पढ़िएगा। और जितने भी क्वेश्चन सिंगल ट्रिक वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आप एक एक लाइन में ट्राई करिए। ये पांच एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम लोग, ये नोट करिए इस क्वेश्चन को।
देखिए सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेट डीएक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस फाइव। अच्छा ये बताइए माइनस फाइव और माइनस वन बड़ा कौन है, ये संख्या छोटी होगी और ये संख्या क्या होगी बड़ी होगी। सो यहां पर छोटी संख्या क्या होगी बड़ी संख्या क्या होगी यहां पे x माइनस वन और छोटी संख्या क्या होगी x माइनस फाइव। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है वन अपॉन बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या है x माइनस वन माइनस छोटी संख्या क्या है माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस फाइव। ये माइनस करेगी ये माइनस x आएगा और ये माइनस माइनस प्लस आएगा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फाइव माइनस वन कितना आएगा फोर। सो वन अपॉन फोर लॉग। अब क्या आएगा छोटी संख्या बटी बड़ी संख्या। छोटी क्या है एक्स माइनस फाइव अपॉन में एक्स माइनस वन। सो देखा आपने कितना आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना और इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन हम लोग ये एक एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन अपने सामने है डीएक्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रल इज इक्वल टू डीएक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस सेवन। प्लस सेवन और माइनस वन में बड़ा कौन है प्लस सेवन। सो बड़ी संख्या क्या है एक्स प्लस सेवन, छोटी संख्या क्या है एक्स माइनस वन। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग वन अपॉन बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब आप सीख गए होंगे बड़ी संख्या x प्लस सेवन माइनस छोटी संख्या x माइनस वन। x प्लस सेवन माइनस x माइनस माइनस प्लस वन कैंसिल हो गया, सेवन और वन कितना आ गया एट। सो यहां कितना आ गया एट और साथ में क्या है लॉग लॉग छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या है x माइनस वन अपान में बड़ी संख्या क्या है x प्लस सेवन। ये इसका आंसर आ गया। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो इसमें ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या लॉग छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इतना पार्ट हो गया और आगे जो कॉन्स्टेंट आना है बड़े में से छोटा कम करना है। सो देखिए कितना आसान था यही भी सॉल्व हो गया। ये आगे हम ट्राई करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा लॉग छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या और अपान में पहले क्या आएगा बड़ी माइनस छोटी बड़ी माइनस छोटी दो माइनस माइनस सात सात दो नौ एक बटे नौ लॉग एक्स माइनस सेवन अपान एक्स प्लस टू। सो आप देख सकते हैं कितने सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई करते हैं हम लोग। फोर नंबर क्वेश्चन है डीएक्स और अपान में एक्स प्लस टू एक्स प्लस सेवन सॉरी यहां माइनस है। अब देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन लिया दोनों प्लस दोनों माइनस एक प्लस एक माइनस और ये दोनों फिर से प्लस। सो आप ये कन्फ्यूज होंगे कि ऐसा तो नहीं कि माइनस वाले में रूल्स फॉलो ना करे प्लस वाले में रूल्स फॉलो ना करे सभी एक में रूल्स फॉलो करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या क्या है x प्लस टू और छोटी संख्या क्या है x माइनस सेवन। माइनस सेवन छोटा होता है प्लस टू बड़ा होता है। रिजल्ट क्या आएगा वन अपॉन बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें से इसको माइनस करिएगा आप लोग x प्लस टू में से माइनस करना है x माइनस माइनस प्लस सेवन इससे क्या हुआ कैसे सात और दो कितना नौ लॉग छोटी संख्या और अपान में बड़ी संख्या ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो देख सकते हैं इस ट्रिक बहुत ही सिंपल है इसे आप बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। लास्ट वाला आप आंसर खुद बता सकते हैं सात में से पांच गया एक बटे दो लॉग एक्स प्लस फाइव अपान एक्स प्लस सेवन लास्ट वाला क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिए। सो लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव
dx अपॉन x प्लस 5 और x प्लस 7। अब इसमें प्लस 7 प्लस 5 तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, बड़ी संख्या क्या है x प्लस 7, छोटी संख्या क्या है x प्लस 5। क्या रिजल्ट आएगा 1 अपॉन बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या x प्लस 7 माइनस x प्लस 5, x प्लस 7 माइनस x माइनस 5, 7 माइनस 5 2 आएगा, ये वैल्यू 1 अपॉन 2 log छोटी संख्या और अपान में बड़ी संख्या। सो दोस्तों आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप एक एक लाइन सॉल्व कर लेंगे, सारे मेथड बहुत अच्छे हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपकी नज़र में आए आप उनको एक लाइन सॉल्व करेंगे। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऊपर एक्स आएगा या एक्स स्क्वायर आएगा, उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। सो कंटिन्यू वीडियो में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने सभी मित्रों पे आगे फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि जो नहीं क्लास ले पा रहे हैं जो है कम से कम इस वीडियो के माध्यम से उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो सके, दूसरों का जो है आप बेनिफिट करा सकते हैं। चलिए धन्यवाद।